लटके हुए रहते हैं शिव जी के फेस में। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग जलेबिया पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए हैं। बोल बम बोल बम, टंकेश्वर पहाड़ में सभी कांवरिया बम बोल बम बोल बम। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे कंधे में कांवर कैसा लग रहा है। बोल बम बोल बम, हर हर महादेव बोल बम। और रात्रि में हम लोग यहीं पे विश्राम किए थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं होटल में। और आज डे थ्री है और डे थ्री का यात्रा हम लोग आज जलेबिया पहाड़ से प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं कहां तक फिर पहुंच पाते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हम आप लोगों को कांवड़ यात्रा का ब्लॉग दिखा सकें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे शंकर बम इधर है, इधर शैलेश बम है, बोल बम, इधर गोविंद बम और संतोष बम, बाकी सब बम जो है वो जलेबिया पहाड़ से आगे में वेट कर रहे हैं। तभी चलिए उन लोगों से भी मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। बोल बम हर हर महादेव, बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। बोल बम बोल बम, चलिए बम बोल बम बोल बम, बोल बम हर हर महादेव। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जलेबिया पहाड़ का रास्ता है और अभी हम और गोविंद बम चल रहे हैं साथ में। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप देख सकते हैं किस तरह से कांवरियों की भीड़ है, आपको दिखाई दे रही होगी। आज पहला सोमवारी का दूसरा दिन है, बुधवार का दिन है और आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। बोल बम बोल बम बोल बम। और आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं जलेबिया पहाड़ में किस तरह से बच्चे लेटे हुए रहते हैं शिव जी के फेस में। बोल बम बोल बम। और यहाँ से स्टार्ट होता है जलेबिया पहाड़, सिर्फ 1 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सांप, घाट सांप का दर्शन है। बोल बम हर हर महादेव। और आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजे जलेबिया मोड़ में सभी कांवरिया बम बोल बम का नारा लगाते हुए जलेबिया पहाड़ को चढ़ेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और ये आप देख सकते हैं जलेबिया पहाड़ की चढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इधर संतोष बम बोल बम। और ये देखिए जलेबिया पहाड़ की चढ़ाई और जलेबिया पहाड़ का कांवरिया पथ को मैं दिखा रहा हूँ। अभी भी बालू है यहाँ पे, महीन बालू का उपयोग किया गया है। बोल बम बोल बम बोल बम। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग जलेबिया पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए हैं। बोल बम बोला बम। और ये जलेबिया पहाड़ की मेन रोड बोल बम बोल बम बोल बम। जलेबिया पहाड़ में भी आप देख सकते हैं भुट्टा बिक रहा है, मकई सुबह सुबह। बोल बम। और ये रहा जलेबिया पहाड़ का मेन रोड इधर, और इधर आप देख सकते हैं कांवरिया पर, और यहाँ से प्रवेश करना है श्रावणी मेला। देखिए बोल बम। और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे बम लोग बैठे हुए हैं। बोल बम बोल बम, पहुँच गए हम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और सुइया पहाड़ की असली चढ़ाई अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी कांवरिया बोल बम का नारा लगाते हुए इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। और आप पीछे में देख सकते हैं किस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, इसी सीढ़ियों से होकर के हम लोगों को ऊपर चलना है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और इधर आप देख सकते हैं संतोष बम डबल कांवर लेके चल रहे हैं। बोल बम बोल बम। और जब कोई साथी बम डैमेज होते हैं, देखिए किस तरह से पांवों का इलाज होता है। बोल बम। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटू बम है जिनके हाथ में महाकाल लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिखाना बम, देखिए भोले के प्रति दीवानगी इस कदर होती है कि लोग अपना टैटू हाथ में बनवाते हैं, कोई महाकाल तो कोई महादेव, इस तरह से लिखवाते हैं। अच्छा छोटू बम, थकावट महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है पाँव में, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा। और आप देख सकते हैं छोटू बम को जिनकी उम्र महज 7 साल हो रही होगी, कंधे में कांवर लेके बाबा बैजनाथ धाम चल पड़े हैं बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। बोल बम बोल बम दोस्तों। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग टंकेश्वर पहुँच चुके हैं और
टंकेश्वर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने में देख सकते हैं टंकेश्वर के पहाड़ों में कांवरिया बम मस्ती कर रहे हैं। बोल बम आप देख सकते हैं टंकेश्वर पहाड़ में सभी कांवरिया बम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केदारनाथ के मंदिर के आकार में इस पंडाल को बनाया गया है और ये निःशुल्क सेवा शिविर है कांवरियों के लिए। और अभी हम लोग इधर से प्रवेश करेंगे और ऊपर में मेन रोड चलती है और नीचे से कांवरिया पथ आप देख सकते हैं। बोल बम। और अभी हम लोग इस पुल को क्रॉस किए हैं, नीचे से आप देख रहे होंगे। और इधर आप देख सकते हैं गोविंद बम जी हैं, डबल कांवर को लेकर के चल रहे हैं, एक मेरा कांवर भी है। बोल बम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के बोतल बम जी दे रहे हैं, एक और दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बम जी को। बोल बम देख सकते हैं, पानी का बोतल भी बांटा जा रहा है। बोल बम। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिलेबिया पहाड़ पार करके, टंकेश्वर पार करके हम लोग फाइनली सुइया पहाड़ में आ चुके हैं। और आप ये जो पीछे भीड़ देख रहे हैं कांवरियों की, ये सुइया पहाड़ के समीप में पहुंचे हुए कांवरिया बम लोग हैं। और आगे में अभी सुइया पहाड़ की चढ़ाई भी आप लोगों को दिखाएंगे और किस तरह से हम लोग सुइया पहाड़ को चढ़ते हैं और कैसे उतरते हैं, सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप में से कोई पहली बार सुइया पहाड़ को देख रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बोल बम। हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग सुइया पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, आपको कांवरियों का जत्था नज़र आ रही होगी। आपको सभी कोई गेरुआ वस्त्र धारण करे, कंधे में कांवर लेते हुए लेकर के बाबा बैजनाथ धाम के लिए निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज से ये कांवर यात्रा प्रारंभ होती है, पूरे 105 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज पहला सोमवारी का दूसरा दिन है और आप देख रहे होंगे किस तरह से कांवरियों की भीड़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पे। बोल बम। और आप देख सकते हैं ये सुइया पहाड़ की चढ़ाई, और बगल में आपको मेन रोड भी दिखाई दे रहा होगा। और अभी भी कांवरिया बम लोग सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। बोल बम। और संतोष बम बताइए, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बढ़िया रहा? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी टाइट बम है, एकदम टाइट है ना? फुल टाइट में है। हम लोग 10 बम कांवरिया बम चले थे और 10 में से हम लोग लगभग 7-8 बम सुरक्षित हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1-2 बम का थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बोल बम। हर हर महादेव। आज थोड़ा खासा धूप था और काफ़ी धूप होने के बावजूद भी हम लोग कांवर यात्रा को जारी रखे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही है हम लोगों को, लेकिन क्या करें, कांवर यात्रा करना है तो करना है, वो भी पैदल करना है। और हम लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हम लोग क्यों ना करेंगे कांवर यात्रा, वो भी पैदल। चलिए बोल बम। और ये सुइया पहाड़ का आप देख सकते हैं सीढ़ियों से होकर के हम लोग गुजर रहे हैं अभी। और देखिए किस तरह से अभी यहाँ पे सीढ़ी बना दी गई है, पहले ये सब में पत्थर हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ, और देखिए किस तरह से रास्ता बना हुआ है अभी। बोल बम दोस्तों। और हम लोग अभी सुइया पहाड़ की चढ़ाई से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुट्टा की दुकानें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर आपने कांवर यात्रा किया होगा तो ज़रूर ये जगह याद आपको आ रही होगी। और इधर भी आप देख सकते हैं बुट्टा की दुकानें। बोल बम। तो यहाँ से आप गुजरे तो बुट्टा खा के ही गुजरे। बोल बम। और ये देख सकते हैं हम लोग सुइया पहाड़ की खेतों से होकर के गुजर रहे हैं। और अमूमन यहाँ पर देखा जाता था कि यहाँ पर धान की फसल हुआ करती थी, और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कहीं पर कोई फसल नहीं दिख रही है आप लोगों को। बोल बम। और देखिए आपकी नज़रें जहाँ तक जा रही होगी आपको कांवरिया ही नज़र आ रहे होंगे। बोल बम। बड़ा कदम। बोल बम। अब संतोष बम से अपने कांवर को अपने कंधे में लेते हुए बोल बम। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे कंधे में कांवर कैसा लग रहा है। शिव को बड़ा प्यारा होता है कांवर, इसलिए हम लोग कांवर यात्रा कर रहे हैं। आप सभी को पता है या नहीं, मैं एक बार आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये कांवर यात्रा की शुरुआत प्रभु श्री राम ने किए थे। और
सुल्तानगंज से पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा बैजनाथ धाम पहुँचे हुए थे, तभी से यह कांवर यात्रा की जर्नी स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, और उसी चीज़ों को हम लोग भी आज फॉलो कर रहे हैं। बोलबम दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सुइया पहाड़ की मेन चढ़ाई यहीं से प्रारंभ होती है और यहाँ पे 5 पत्थर एक साथ जोड़े जाते हैं जिनकी जैसी मनोकामना होती है यहाँ से मांगी जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5-5 पत्थर को इकट्ठे करके जमा किया गया है और ये पत्थर आप देख पा रहे होंगे सभी कांवरिया बम जोड़ते हैं। और यहाँ पे आप दंडवत यात्रा भी देख रहे हैं, बोल बम, और देख रहे होंगे बीच में संतोष बम है, बोल बम, दो दो कांवर को लेकर के बोल बम। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं अभी सुइया पहाड़ में हूँ और आप देख रहे होंगे सुइया पहाड़ में किस तरह से कांवरियों की भीड़ है। इस बार पहले सोमवार के 2 दिन के बाद आज 13 तारीख के दिन है, आप देख सकते हैं बोल बम किस तरह से कांवरियों की भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बोल बम, बोल बम, बोल बम। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पीछे आप लोगों को सिर्फ कांवरिया ही कांवरिया दिखाई दे रहे होंगे सुइया पहाड़ में। बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब देख सकते हैं सुइया पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए सभी कांवरिया बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बोल बम। और आप सुइया पहाड़ से जैसे ही नीचे उतरते हैं आपको यहाँ पे बहुत प्रकार के होटल देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आप ठहर सकते हैं अगर रात्रि में विश्राम करना हो। बोल बम, हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट सुइया पहाड़ से नीचे उतरे हैं, आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये सुइया पहाड़ से नीचे का नज़ारा है। और अभी हम लोग अबरखा के लिए जा रहे हैं, यहाँ से अबरखा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और आज देखते हैं कहाँ तक हम लोगों का सफ़र हो पाता है। छठ माँ का मूर्ति देखने के लिए मिलता है, आप देख पा रहे होंगे, जय छठी मैया, बोल बम। आप देख सकते हैं बोल बम, बोल बम। अब कांवरिया पथ के रास्ते में देख सकते हैं हैरत अंगेज करतब दिखाती हुई एक छोटी सी लड़की। बोल बम सेवा समिति, आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा सेवा समिति है और ये अबरखा के पास में मौजूद है, यहाँ पे सभी कांवरिया बम का सेवा किया जाता है। और देख सकते हैं अभी हमारे साथ गोविंद बम और संतोष बम हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम। और आप इधर देख सकते हैं किस तरह से दुकानें लगी हुई होती है और ये इनारा वन का व्यू देख रहे हैं, इनारा वन में किस तरह से चारों तरफ होटल आप लोगों को नजर आ रही होगी और सभी होटलों में अभी कांवरिया यहाँ पे आराम कर रहे हैं। बोल बम, हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ से 9 किलोमीटर बाकी है इनारा वन और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। और इधर देख सकते हैं गोविंद बम है, बोल बम, और इधर संतोष बम, बोल बम। और इधर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सामने में कांवरिया पथ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी कटोरिया में मौजूद हैं और रात्रि के 10 बज गए हैं लगभग और अभी हम लोग इसी होटल में विश्राम करेंगे। देख सकते हैं सामने में एक होटल है और यहीं पे सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को कटोरिया से आगे का कांवरिया पथ और कांवर यात्रा को दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोल बम लिखना ना भूलें।